एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान एंड सीकल। तहे दिल से स्वागत है। अभी हम लोग प्रयागराज जंक्शन में हैं और हमें यहां से ट्रेन पकड़ना है। हमारी जो ट्रेन की यात्रा आज होने वाली है 12403 लालगढ़ एक्सप्रेस, जो कि प्रयागराज जंक्शन से ही खुलती है, पहुंचती है। वहां से आपको 30 किलोमीटर खाटू श्याम जी का मंदिर है होते हुए बीकानेर, और लास्ट स्टॉप इसका लालगढ़ जंक्शन है। और पीछे से प्यारा सा दृश्य दिखाते हैं आपको प्रयागराज जंक्शन का। अब प्यारा सा दृश्य देख सकते हैं प्रयागराज जंक्शन का, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है ये आपका। और सामने हम लोग का नेशनल फ्लैग, घूमो इंडिया घुमाओ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नमक सत्याग्रह 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 1930 को, तो उसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूर्ति बनी हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भारत सेनानियों ने जिसने देश को आज़ाद किया था उन सबके फोटो यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ बाहर आपको निकाल दिया हुआ, यहाँ से निकलने का है। और ये चारों तरफ स्टेशन का व्यू है जो भी अल्टीमेटली बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये सामने आपको लीडर बोर्ड है कौन ट्रेन कितना बजे आएगा। अभी हम लोग ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई नहीं है, हो गई है। हम लोग की ट्रेन नंबर 12403 प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस 11:10 में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगेगी ट्रेन हम लोग की। आपको कोई एग्जीक्यूटिव लॉन्च मिल जाएगा, सामने एग्जीक्यूटिव लॉन्च है जो कि 50 रुपये का 2 घंटा आपको होगा। और सामने खाने पीने के लिए भी आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा, अंदर फूड कोर्ट भी अवेलेबल है। अब ये प्रयागराज जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। चुकी है, अब देख सकते हैं प्रयागराज लालगढ़ सुपरफास्ट 12403 ट्रेन नंबर आ चुकी है। देख सकते हैं सब लोग कितना भीड़ लगाए हुए हैं। थर्टी फाइव थर्टी फोर थर्टी थ्री ये सामने आपको मिरर दिया हुआ है। देखो साइड लो रही सारा सारी सामान धोना है। यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे प्लगइन दिया हुआ है आपको चार्जिंग के। एक डिस्क्लेमर है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप मिडिल बर्थ खोल के नहीं रख सकते। इस बाथरूम का सामने मिरर देख सकते हैं, बाथरूम बहुत चकाचक है, देख सकते हैं एकदम। अभी ट्रेन थूल के पूरा आया हुआ है, हर स्टेशन पे लगी है। यहाँ पे आपका जो है वेस्टर्न स्टाइल का बाथरूम है, बहुत ही अच्छा है। और सामने फ्लशिंग भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और बाकी यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि अच्छा से फ्लश कर दे। बाकी ओवरऑल बाथरूम बहुत नेट एंड क्लीन है। और ट्रेन अभी तक तो चला है नहीं, तब तक हम लोग बाहर की ओर चलते एक्सप्लोर करना। ये ट्रेन की टाइमिंग की बात करें 11:10 पे आपको खुलता है प्रयागराज जंक्शन से, और आपको क्या रिंगज जंक्शन पहुंचाता है आपको 1:34 पे।
और हम लोग का कोच जो है यहाँ पे B1 कोच हम लोग का है और थर्ड AC में हम लोग का है। प्रयागराज जंक्शन से हमारी ट्रेन खुल चुकी है। इस ट्रेन का अगला स्टॉप है फतेहपुर है, जो कि प्रयागराज जंक्शन से 116 किलोमीटर है। अब सोने का टाइम आ चुका है तो हम लोग चलते हैं बिस्तर लगा के सोने के लिए। अब मिलते हैं हम लोग रात भर सोए हुए थे और अभी नींद खुली हम लोग की और हम लोग मथुरा जंक्शन में बाहर स्टेशन का व्यू आपको दिखाते हैं। अभी के हो रहे टाइम 7:38 और हम लोग अभी मथुरा जंक्शन पे हैं। अभी यह ट्रेन यहाँ से खुली नहीं है, बहुत अच्छा साफ सुथरा स्टेशन आप देख सकते हैं चारों तरफ। हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है सुबह सुबह का। रात में ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाए थे। यहाँ हमारे बांके बिहारी जी का दर्शन बहुत ही अच्छा होता है आपका वृंदावन में। जो लोग यहाँ से हैं आई होप जो ब्लॉग देखे बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। हम लोग जयपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन अभी तक 800 किलोमीटर प्रयागराज जंक्शन से जयपुर जंक्शन तक कवर कर चुकी है। अभी 12:23 हो रहा है, यहाँ पे बिफोर गाड़ी पहुंच चुकी है। यहाँ पे 10 मिनट रुकेगी ट्रेन, फिर हम लोग रिंगस जंक्शन पहुँचेंगे। चारों तरफ जयपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं। ये बाहर से जयपुर स्टेशन का लुक आप देख सकते हैं। अभी के बजे 12:23 और हमारी ट्रेन बिफोर टाइम पहुंच चुकी है तो 12:35 खुलेगी। चारों तरफ से व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जयपुर स्टेशन बहुत ही बड़ा है और बहुत सारे यहाँ खाने पीने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंटीपिक्स कलेक्शन सामने मिल रहे होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको छोटे मोटे सामान जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, बिस्किट, पानी का बोतल, पेटीज, ये सब मिल जाएंगे। ये ट्रेन लालगढ़ एक्सप्रेस हफ्ता में 4 दिन चलती है, मंडे, ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे। ये पार्ले जी भी खा रहे हैं। अब हम लोग खाटू श्याम जी की धाम रिंगस जंक्शन पहुंच चुके हैं। यहीं से हम लोग गाड़ी लेके अब चलेंगे। अब छोटा सा लुक रिंगस जंक्शन का देख सकते हैं। हमारी यात्रा प्रयागराज जंक्शन से रिंगस जंक्शन तक ख़त्म होती है और हमारी लालगढ़ एक्सप्रेस भी निकल चुकी है। और इस वीडियो को यहीं के साथ एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग जो इंतज़ार करें।
हम लोग खाटू श्याम का धाम रिंगा जंक्शन पहुंच चुके हैं।